कि एसपी नेता अबू आजमी को स्वतंत्र देव सिंह का जो जवाब आया वो आपको बता दें, जाट समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, भारत माता के लिए समर्पित हैं जाट, सरहद से लेकर स्पोर्ट्स जाट समुदाय का योगदान रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने हिंदुस्तान का वीडियो जो था वो ट्वीट किया। हमारी खबर का एक बड़ा असर ये हुआ कि एक जबरदस्त विरोध अब अबू आजमी का दिख रहा है। अबू आजमी के बयान वाला वो वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। आजमी ने हिंदुस्तान के मंच पर ही बयान दिया था, उन्होंने कहा जाट समुदाय को जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह का जवाब सामने आया है। अबू आजमी ने क्या कहा था ये भी आप सुनिए। वेस्टर्न यूपी का के सब नाराज, किसान नाराज, सब नाराज। वेस्टर्न यूपी में पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उस दंगे में हमारे जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए, बीजेपी के साथ गए। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी, सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। उधर आपको ये भी बता दें कि अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय के लोगों ने एसपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ही अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। जाट समाज के लोगों ने आजमी का पुतला फूंका। अबू आजमी ने जाट समुदाय को लेकर जो विवादित बयान दिया था वो भी हमने आपको सुनाया, जी हिंदुस्तान के कार्यक्रम में ही बयान दिया था, लेकिन उसके बाद अब जबरदस्त विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। अबू आजमी की एंट्री अचानक होती है, वो वैसी को वोट कटवा बोलते हैं और अब यूपी के चुनाव में ये गहमा गहमी दिख रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर की जो तस्वीरें हैं वो अबू आजमी के लिए ठीक नहीं दिख रही हैं। उनका विरोध यहाँ हो रहा है, पुतला जलाया गया, लोग गुस्से में हैं। अबू आजमी, 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 अबू आजमी। वेस्टर्न यूपी का के सब नाराज, किसान नाराज, सब नाराज। वेस्टर्न यूपी में पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उस दंगे में हमारे जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए, बीजेपी के साथ गए। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी, सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जाट समुदाय का अपमान क्यों किया, ये सीधे तौर पर मुजफ्फरनगर में इसी के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। अबू आजमी आते हैं वो सीधे बात करते हैं, चुनाव में उनकी एंट्री कुछ इस कदर हुई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने मोर्चा भी संभाले ऐसा लग रहा है, लेकिन इस चुनावी बिसात में वो अपने शब्दों को भूल गए। उन्होंने जो बयान दिया उसके खिलाफ स्वतंत्र देव सिंह ने, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है और जाट समुदाय का जो योगदान है वो देश में स्पोर्ट्स से लेकर सरहद तक रहा है, इसलिए इस विवादित बयान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जाट समुदाय को लेकर ही उन्होंने कहा था कि एक मौलाना के कदमों में गिरने की बात उन्होंने कही थी। एक बार फिर आपको मैं सुनाती हूँ हिंदुस्तान के मुस्लिम मंच कार्यक्रम में क्या विवादित बयान अबू आजमी दे बैठे थे। वेस्टर्न यूपी का के सब नाराज, किसान नाराज, सब नाराज। वेस्टर्न यूपी में पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उस दंगे में हमारे जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए, बीजेपी के साथ गए। लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी, सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं।